तो आज हमारे पास में है वीवो का Y91i, जिसका हमको FRP या हार्ड रिसेट निकालना है, सॉरी हार्ड रिसेट करना है इसको, जिस पे लॉक लगा हुआ है। तो हम यूज़ करेंगे मिरेकल का, मिरेकल 2.82। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर आपका स्टार्ट बटन अगर मिरेकल में काम नहीं कर रहा है, तो करना क्या है, फाइल लोकेशन पे जाना है और बॉक्स डाटा में जाना है, और जो हैंडल आता है तो हैंडल को आपको डिलीट कर देना है। जैसे मिरेकल के अंदर स्टार्ट बटन काम नहीं करता है ना, ऑटो हाइड बटन हो जाता है, तो बॉक्स डाटा में जाना है और हैंडल डिलीट कर देना है, एंड देन फिर अपना मिरेकल यूज़ करने के लायक हो जाएगा। जब भी प्रॉब्लम आता है तब ये आप प्रोसेस सेम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मोबाइल के ऊपर लॉक लगा है Y91i के ऊपर, तो हमको इसको रिसेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे, और मेक श्योर कि आपके PC के अंदर MTK ड्राइवर इंस्टॉल हो, VCOM ड्राइवर भी इंस्टॉल हो, ताकि फ़ोन आसानी से कनेक्ट हो जाए। अगर आपके पास में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, MTK पे रहने देना, 8 नंबर का हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है, एंड देन यहाँ पे इसको अनचेक करना है और एडवांस FRP पे करना है, और यहाँ पे Y81 सेलेक्ट करना है हमको, ठीक है। 91 मोबाइल है लेकिन Y81 सेम है इसका मेथड, तो इस मेथड पे काम करता है। हम वॉल्यूम अप डाउन बटन दबाएंगे और USB केबल इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम वॉल्यूम अप डाउन बटन दबाएंगे और USB इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पोर्ट डिटेक्ट होगा MTK का, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही पोर्ट डिटेक्ट हो, यहाँ पे हमें पेशेंस रखना है जब तक यहाँ पे कनेक्टिंग ना दिखाई दे। तो अभी देखिए यहाँ पे ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, USB निकालता और वॉल्यूम अप डाउन बटन दबाया, दोनों साथ में प्रेस करना है वॉल्यूम अप डाउन, एंड देन फिर इसको USB लगा के रखना है। स्टार्ट बटन पहले दे देना, ठीक है ना, स्टार्ट पहले कर देना। देखिए अब यहाँ पे कनेक्ट हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा जो फैक्ट्री रिसेट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। तो जब तक के रिसेट होता है मोबाइल, तब तक के आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो बाकी के वीडियो भी चेक कर लेना, आपको पूरे वीडियो आपको जेन्युइन लगेंगे। और अगर कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के अंदर बताना। और अगर आपके PC के अंदर कभी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो कमेंट के अंदर बताना, अगर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते करके, अगर आपको लगता है तो, ठीक है। बाकी अपने FRP के वीडियो तो आते रहते हैं, FRP बाईपास के अनलॉक के, और साथ साथ में अभी यहाँ से मैं PC के वीडियो भी डालना शुरू करूँगा, PC के ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के, काफ़ी मतलब मोबाइल से रिलेटेड है ना, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम सभी करते हैं इसके अंदर। और कोई अगर आपको लगता है कि डाटा रिकवरी के फ़ोन, जैसे फ़ोन रिसेट हो जाता है, तो अगर आपको उसका जो बैकअप है मोबाइल का, तो कस्टमर बोलता है कि इसका मुझे डाटा चाहिए, तो उसके ऊपर भी अगर वीडियो लगती है आपको तो मुझे कमेंट के अंदर बताना, उसके ऊपर भी इन द फ्यूचर के अंदर वीडियो आएंगी, ठीक है। अभी USB रिमूव करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा जो मोबाइल का जो पासवर्ड है लॉक है, स्क्रीन में पासवर्ड है, पैटर्न है, वो रिसेट हुआ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वीडियो को पासवर्ड पर लगाया है। काफ़ी लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ अलग अलग ट्रिक यूज़ करते हैं कि फॉरगेट करके, ऐसा करके, वैसा करके, लेकिन वो मेथड काम नहीं करता है, ठीक है। तो सही मेथड, सही जेन्युइन तरीका यही है इसका, PC के थ्रू। बाकी मेरे ख्याल से बाकी सब ऐसे ही कोई वीडियो वर्क नहीं करता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर क्या करना है, जब आपको PC लगेगा मिरेकल, तो हमको वैसे ही फ्री में मिल ही जाता है, ठीक है। और इसका मैं मिरेकल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। खाली आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, कहीं पे कोई वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट के अंदर बताना अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो, और वीडियो कैसे लगे तो मुझे बेनिफिट बताना कि आपको उसका बेनिफिट मिलता है कि नहीं। तो और कमेंट के अंदर ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो का आपको बेनिफिट किस टाइम पर मिला, कि कमेंट के अंदर आपने उसको उस डेट को मैंशन कराना है कि हाँ यहाँ पर डेट इस टाइम को मुझे इसका बेनिफिट मिला है। और लाइक करके बताना कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगती है, ऐसी वीडियो और अगर देखना है इन द फ्यूचर तो मुझे कमेंट करके बताना। लेटेस्ट के जो एंड्रॉयड 13 14 जो भी आने वाले फ्यूचर के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और जेन्युइन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आप देखिए, यहाँ पे हम
और हाँ, इसमें अगर आपको समझ लो FRP लॉक लग जाता है तो FRP का वीडियो मैं एक बना के डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो। FRP एकदम सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिना कोई टूल, बिना कोई एप्लीकेशन, बिना कोई PC इसका FRP अनलॉक हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर, तो उसका भी वीडियो मैं बना के डाल दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।